नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह याचिका छात्रा शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्राओं ने 1 जून को दायर की थी, जिसमें बिहार और राजस्थान के परीक्षा केंद्रों पर गलत प्रश्न पत्र बंटने की शिकायत की गई थी और परीक्षा रद्द कर SIT जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने NTA से कहा कि नीट UG की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है और इस पर जवाब मांगा है। जस्टिस विक्रम नाथ और एहसानुद्दीन अमुनल्ला की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में 10 जून को भी नीट रिजल्ट पर रोक लगाने की याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने नीट UG परीक्षा 2024 में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है। एक परीक्षा केंद्र के 67 उम्मीदवारों को पूरे 720 अंक मिले हैं, इस पर भी संदेह जताया गया है। नई याचिका में 5 मई को आयोजित नीट UG परीक्षा का पेपर लीक होने की व्यापक शिकायतों का हवाला दिया गया है। याचिका में कहा गया था कि रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स देना NTA का मनमाना फैसला है और इसके लिए कोई गणितीय आधार नहीं है। याचिका स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉक्टर शेख रोशन ने दायर की थी। नीट UG 2024 को लेकर देश भर के विभिन्न राज्यों में लगभग 20,000 छात्राओं ने याचिका दायर की थी, जिसमें परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। ग्रेस मार्क्स के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं में कहा गया है कि NTA ने अब तक ये नहीं बताया कि उन्होंने छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने के लिए क्या तरीका अपनाया है। वहीं परीक्षा से पहले NTA की तरफ से जारी की गई जानकारी बुलेटिन में भी ग्रेस मार्क्स देने के प्रावधान का जिक्र नहीं किया गया था। राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं, नीट रिजल्ट पर सवाल उठाए हैं। गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद से ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने 8 जून को लोकसभा को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने नीट 2024 की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। इसके बाद 9 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक्स पर लिखा था कि शिक्षा माफियाओं से निपटना बेहद जरूरी है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एग्जाम में गड़बड़ी की नई शिकायतें भी सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने अंजलि नाम की एक स्टूडेंट की नीट UG और 12वीं बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट शेयर की है। इसके मुताबिक 12वीं में फेल हुई स्टूडेंट को नीट में 705 मार्क्स मिले हैं। भोपाल की एक स्टूडेंट का कहना है कि उसके स्कोर कार्ड में 340 नंबर है, जबकि आंसर की मिलाने पर उसे 617 नंबर मिलने चाहिए। इसी तरह लखनऊ की आयुष पटेल का भी आरोप है कि उसकी ओमआर मार्कशीट जानबूझकर फाड़ी गई है। अब देखना यह होगा कि इसमें आगे क्या फैसला होगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी।